हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आदाब, असलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। और समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेटा। आज क्लास 10th की केमिस्ट्री से आज हम डिस्कस करेंगे बेटा फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फंक्शनल ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ देखेंगे कि क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं क्लास 10th लेवल तक। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी वो कोई फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सैचुरेटेड एल्केन के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो वो बेटा उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। यहाँ पर लिखा भी है विल यू बी माई माई बेस्ट फ्रेंड। आपने देखा होगा कि भाई जब दो दो बंदे आपस में दोस्त बनते हैं तो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ में खो जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की वही बात है। जब भी फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होता है तो वो हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल चेंज कर देता है। भाई डेफिनेशन की बात करें तो ए फंक्शनल ग्रुप मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि वो एटम भी हो सकता है सिंगल या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल व्हिच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। भाई यहाँ पर मैंने ये मॉलिक्यूल लिखा है एथेन का, ठीक है, दो हाइड्रोकार्बन होते हैं, तीन हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ये एथेन की स्ट्रक्चर होती है। तो एथेन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो जब एथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात कर देता हूँ, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही है। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो भाई यहाँ पर एक नई ऑर्गेनिक क्लास का ओरिजिन होता है जिनको हम एल्कोहल कहते हैं, लाइक दैट। अब देख सकते हैं कि यहाँ वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, यहाँ पर आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा बेटा एथेनॉल। तो एथेन और एथेनॉल के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है यहाँ पर, भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया तो ये एथेन की कंप्लीटली प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं एथेन की बात करूँ तो भाई आपकी एथेन यहाँ पर एक गैस है जबकि एथेनॉल एक लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ भाई इसकी एथेनॉल की तो ये आपके अंदर ये हिप्नोटिक नेचर का होता है, मतलब स्लीप ये आपके अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, आपको नींद आती है एथेनॉल। जो लोग शराबी होते हैं, शराब पीते हैं, उसके अंदर एथेनॉल ही पाया जाता है तो उनको नींद आती है, जबकि एथेन के अंदर ऐसी कोई हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। वही बात करें एथेनॉल अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, फॉर एग्जांपल एक्टिव मेटल यहां पर ले रहा हूं मैं सोडियम, इनके साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, जबकि एथेन के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसको हमने यहां पर फंक्शनल ग्रुप कहा है, जब भी वो किसी कंपाउंड के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज को बिल्कुल चेंज कर देता है। ठीक है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप कह रहा है एथेन से कि विल यू बी माय फ्रेंड। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंड बन जाते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये अपनी प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस कर देता है पूरे कंपाउंड के अंदर। बट बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आपके हेट्रो एटम्स होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हेट्रो एटम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हैलोजन्स हो गए जितने भी हैं, है ना, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, या इसके अलावा भाई आपका ऑक्सीजन है, और इसके अलावा भाई आपका सल्फर है, और आपका फॉस्फोरस है, एट्सेट्रा। ये सब क्या होता है भाई, हेट्रो एटम्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो एलिमेंट्स होंगे वो हेट्रो एटम्स कहलाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली हेट्रो एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ हेट्रो एटम्स होते हैं जिनसे मिलकर फंक्शनल ग्रुप बनता है। फॉर एग्जाम्पल भाई यहाँ पर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये आपका क्लोरो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, या इसके अलावा आपका ब्रोमो, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी के अंदर आता है, आयोडो भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी के अंदर आता है। ये आपके एटम्स वाले फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। ग्रुप ऑफ एटम में भी होता है, जैसे भाई OH अभी एग्जांपल बताया मैंने आपको अल्कोहल का, तो उनके अंदर OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। एल्डिहाइड्स होते हैं कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है जो एल्डिहाइड कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलता है। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल जाएगा आपको, कीटोनिक
ठीक है। इसके अलावा कार्बोजाइलिक एसिड सी ओ ओ एच, इस तरह से ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। इनके अलावा भाई ईथर है, एमाइड है, एमीन है, और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्लास 10th के स्टैंडर्ड की, तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइडिक कीटोनिक और कार्बोजाइलिक, तो यही फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के लिए सफिशियंट है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स की। तो ब्रॉडली हमने फंक्शनल ग्रुप को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैंने जैसा पहले ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। सो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स आर द ग्रुप्स विच प्रेजेंट इन द एंड ऑफ द कार्बन चेन। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके एंड पे सबसे लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको भाई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं भाई सी एच ओ, अभी मैंने आपको बताया भाई एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये हमेशा कार्बन चेन के एंड में प्रेजेंट रहेगा। या इसके अलावा कार्बोजाइलिक ग्रुप एसिड्स का ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये भी हमेशा टर्मिनल होता है। या इसके अलावा भाई आप देख सकते हैं कि एमाइड भी आपका जो एमीन होता है, सॉरी एमीन भी आपका नॉन जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, ये एंड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसी तरह से नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट रहते हैं भाई, जैसे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा आपका, इसके अलावा ईथर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका ये चेन के बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमने फंक्शनल ग्रुप की यहां पर से टू कैटेगरीज रखी हैं, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको भी बताया कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आप जान सकते हैं कि सिंगल बोंड को भी आप फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, डबल बोंड को भी आप फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, ट्रिपल बोंड को भी आप फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस होती हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उनमें आपको फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पर ही आपने उनको डिवाइड किया गया है। तो ये छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बार बार कहता हूँ भाई मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको मिलेगी क्लास 9 to 12 बिंदास केमिस्ट्री, है ना, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे डिस्कस करूँगा, पूरी केमिस्ट्री एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। नाउ दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अर्शद नाम टेकिंग साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।